लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज नई मुंबई के माथाड़ी भवन में मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर लोक नेता गणेश नाइक, बीजेपी नेता प्रसाद लाल, विधायक निरंजन डावखरे, पूर्व विधायक संदीप नाइक और एनसीपी नेता शशिकांत शिंदे खास तौर पर मौजूद रहे। कोरोना वैक्सीनेशन का यह आयोजन अन्ना साहब पाटिल विकास फाउंडेशन द्वारा एनएमएमसी की मदद से किया गया था, जहां हजारों माथाड़ियों ने कोरोना टीकाकरण कराया। माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल इसके लिए लंबे समय से मुफ्त वैक्सीनेशन की मांग कर रहे थे। देखिए रिपोर्ट। एपीएमसी मंडियों में दिन रात सेवाएं देने वाले माथाड़ी कामगारों के लिए आज माथाड़ी भवन में फ्री कोरोना वैक्सीनेशन शिविर लगाया गया। नई मुंबई महानगर पालिका की मदद से अन्ना साहब पाटिल विकास फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस कोविड वैक्सीनेशन कैंप का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। इस अवसर पर लोक नेता विधायक गणेश नाइक, विधायक प्रसाद लाड, विधायक निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे, पूर्व विधायक संदीप नाइक और पूर्व सांसद संजीव नाइक समेत कई नेता मौजूद थे। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि माथाड़ी कामगार फ्रंटलाइन वर्कर हैं, इसलिए मुफ्त टीकाकरण उनका हक है। उन्होंने इस पहल के लिए माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल के प्रयासों की सराहना करते हुए अपनी ओर से 10,000 कोरोना टीका लगवाने का भरोसा दिलाया। आइए सुनाते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। जी गुप्ता है कि श्री नरेंद्र पाटील यांनी पुढाकार घेतला आणि आज माथाडी भवनमध्ये या ठिकाणी माथाडी कामगारांच्या लसीकरणाचा एक कॅम्प सुरू झालेला आहे। आणि मुळातच आपल्याला माहिती आहे की अगदी बेसिक काम करणारे सगळे लोक आहेत, यांना लसीकरणाची सर्वाधिक आवश्यकता आहे आणि आता त्याची सुरुवात झाल्यामुळे त्याचा निश्चित फायदा होईल आणि हे अविरत कसं चालत राहील याचा देखील आम्ही प्रयत्न करू। मी स्वतः त्यांना सुचवलेलं आहे की अजून 10,000 लोकांचं लसीकरण करण्याकरता मी स्वतः त्यांना मदत करणार आहे आणि हे लसीकरण अजून कसं कंटिन्यू करतात असा प्रयत्न आम्ही करतो। वही माथाड़ी मापाड़ी कामगारों के लिए फ्री कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाने वाले माथाड़ी नेता नरेंद्र पाटिल ने कहा कि कोरोना की पहली लहर शुरू होने के साथ ही वे माथाड़ियों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने और उन्हें जरूरी सुविधाएं देने की मांग करते आ रहे हैं। उन्होंने कोरोना टीकाकरण में मदद के लिए नई मुंबई महानगर पालिका के प्रति आभार भी जताया। खरं म्हणजे फक्त 1,000 पुरतं मी फाउंडेशनच्या वतीनं मर्यादित केलं होतं, कारण माझी क्षमता तेवढीच होती। परंतु माझं कार्य बघून आणि माथाडी कामगारांच्या बद्दल जी काही आस्था आणि प्रेरणा आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी आहे आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी 10,000 प्लस 10,000 असे 20,000 डोस द्यायचा निर्णय घेतला आहे। 25 सप्टेंबरपर्यंत हे लसीकरण सुरू राहण्यासाठी नियोजन आता आम्ही लगेच सुरू करणार आहोत। अण्णासाहेब पाटील विकास फाउंडेशनला या 5 मार्केटसाठी त्यांनी ॲम्ब्युलन्स द्यायचंही नक्की केलं की जे ॲम्ब्युलन्स माथाडी भवनमध्ये राहील आणि माथाडी कामगारांच्या अडीनडीना एकदम विशेष आरोग्य व्यवसायासाठी का म्हणजे विशेष आरोग्यासाठी त्याचा वापर केला जाईल। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।